हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आप सभी का आज के वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो क्लास 7 का जो साइंस का बुक है उसका यहाँ पे जो 8 वाला चैप्टर है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, इसका यहाँ पे जो कंप्लीट एक एक्सरसाइज है, स्वाध्याय है, वो यहाँ पे हम लोग लेके आ गए हैं। इसके अंदर सारे के सारे क्वेश्चन हमने यहाँ पे सॉल्व किए हैं। अगर आप यहाँ पे पहला क्वेश्चन देखते हो जिसमें आपको पूछा गया है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड फिलिंग द ब्लैंक्स, जिसमें हमने क्या किया है, डायरेक्ट यहाँ पे आप आंसर देख सकते हो। डायरेक्ट जो आंसर है हमने यहाँ पे फिल करके आपको जो पूरा कंप्लीट आंसर है वो यहाँ पे आपको प्रोवाइड किया है। और ये आंसर आप यहाँ पे देख सकते हो कि ब्लैक कलर में हाईलाइटेड है, तो आपको बहुत प्रॉपर तरीके से ये समझ में आ जाएंगे। ओके, उसके बाद यहाँ पे सेकेंड क्वेश्चन आपको पूछा गया है कि एक्सप्लेन वाई इट इज नॉट सेफ टू गो आउट विथ एंड द अम्ब्रेला व्हेन देयर इज द हैवी रेन, लाइटनिंग और थंडर। ओके, तो अगर आप देखते हो कि अम्ब्रेला के टिप के ऊपर, जैसे अगर आपका अम्ब्रेला होता है, आपका अम्ब्रेला इस तरीके से होता है, ओके, लेकिन टिप भी आपको अम्ब्रेला के ऊपर देखने के लिए मिलती है, ओके, तो तब क्या होता है कि जब लाइटनिंग होती है तो ये अम्ब्रेले के ऊपर फॉल करती है, जिसके कारण, क्योंकि ये सबसे ऊंचा पार्ट होता है आपके अम्ब्रेले का, तो इसके कारण ये एक ये हो जाता है सेंटर ऑफ अट्रैक्शन हो जाता है लाइटनिंग के लिए। और जिसके कारण जब लाइटनिंग इसके ऊपर आती है तो जब आप होल्ड करके रखते हो तो आप इतने ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी को, जो हमारा ह्यूमन बॉडी है वो से ये नहीं कह सकता, क्या बोलते हैं, ये फेस नहीं कर सकता। इसकी वजह से ऐसे टाइम पे आपकी डेथ या फिर आपके बहुत ज्यादा जो इंजरी है वो होने की संभावना होती है। ओके, उसके बाद यहाँ पे अगर आप थर्ड वाला क्वेश्चन देखते हो जहां पे आपको पूछा गया है कि आंसर इन योर ओन वर्ड, ओके, जिसमें अगर पहला क्वेश्चन हम लोग देखें जहां पे आपको पूछा गया है कि हाउ विल यू प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम द लाइटनिंग, तो आप लाइटनिंग से कैसे खुद को प्रोटेक्ट कर सकते हो बारिश के सीजन में, तो सबसे बेहतर होता है कि आप इंडोर रहो। ओके, आप ओपन स्पेस को अवॉइड करो, आप क्या करो, मेटल से दूर रहो, आप क्या करो, और यहाँ पे जो क्रंच डाउन है आप वैसे रहो, डोंट स्टैंड अंडर द ट्री, स्ट्रे इन फॉर्म, ओके, वेट इट आउट, यानी ये सारी जो प्रिकॉशन है आपको फॉलो करने चाहिए। ओके, उसके बाद यहाँ पे अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हो जहां पे आपको पूछा गया है कि हाउ आर द चार्जेस जनरेटेड, तो अगर आप देखते हो कि जो चार्जेस होते हैं वो कैसे जनरेट होते हैं, ओके, तो चार्जेस जनरेट होते हैं और डिस्प्लेसमेंट, ओके, और नोन एज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ चार्जेस या फिर चार्ज सेपरेशन हम लोग कहते हैं। और ये यहाँ पे आप पूरा जो एक कंप्लीट आंसर है इसका यहाँ पे आप नीचे देख सकते हैं। ओके, उसके बाद यहाँ पे अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे तो यहाँ पे आपको पूछा गया है कि इन द लाइटनिंग कंडक्टर व्हाट प्रोविजन इज मेड फॉर द स्प्रेडिंग द इलेक्ट्रिसिटी इनटू द ग्राउंड। ओके, अगर आप कहीं पे भी अगर आप ऐसे बड़े बड़े टावरों को देखते हो जहां पे आपको देखने के लिए मिलता है कि टिप के ऊपर, यानी सबसे ऊपर यहाँ पे आपको एक ऐसा ये दिया जाता है जो कंडक्टर होता है जो लाइटनिंग को क्या करता है, जैसे अगर आपका ये बिल्डिंग है, टावर है, ओके, तो ये टावर के ऊपर आपको एक ऐसा एंटीना लगा होता है जहां पे जब लाइटनिंग फॉल करती है तो ये लाइटनिंग यहाँ से होकर ये कहाँ जमीन में चली जाती है, ओके, जिसके कारण कोई भी जो हार्मफुल है वो यहाँ पे नहीं होता है, क्योंकि जो ये ऊपर वाला जो एक छोटा सा एंटीना होता है ये क्या काम करता है, अर्थिंग का काम करता है। और ये यहाँ से जो लाइटनिंग है, यहाँ से जो इलेक्ट्रिसिटी है, यहाँ से जितना भी जो एनर्जी है वो यहाँ से पास होके कहाँ चली जाती है, जो सॉइल है, अर्थ है, वहां पे वो चली जाती है। ओके, उसके बाद यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया है कि व्हाई डू द फार्मर स्टिक एंड द आयरन स्टाफ इनटू द ग्राउंड व्हाइल वर्किंग इन द फील्ड और इन द रेनी कंडीशन। ओके, तो जैसे हमने बताया था कि टावर पे कैसा होता है कि टावर जब बिजली गिरती है बिल्डिंग के आसपास तो वो टावर के जो एंटीना होता है उसके ऊपर अट्रैक्ट होती है और वो सारी बिजली कहाँ चली जाती है, जमीन के अंदर। उसी तरीके से जब फार्मर खेतों में काम करते हैं तो वो क्या करते हैं, एक लोहे की जो रॉड होती है उसको अपने खेतों में गाड़ देते हैं, जिसके कारण जब और बिजली गिरती है तो वो उस मतलब रॉड पे जाती है और इसके कारण जो फार्मर्स होते हैं उनको किसी तरीके का जो हार्म है वो नहीं होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपको पूछा गया है कि व्हाई इज द लाइटनिंग नॉट सीन एवरीडे ड्यूरिंग द रेनी सीजन। ओके, तो ये ऑफ कोर्स बहुत ही कॉमन सी बात है कि जब बारिश के सीजन में आप देखोगे कि जब हमेशा बारिश के सीजन में आपको लाइटनिंग देखने के लिए नहीं मिलता है। ओके, ये एक पर्टिकुलर टाइम पे ही, पर्टिकुलर सीजन में ही बारिश के आपको ये देखने के लिए मिलता है। तो ऐसा क्यों होता है, तो ये होता है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण, एटमोस्फेरिक कंडीशन के कारण, क्लाउड टाइप के कारण, जियोग्राफिकल फैक्टर के कारण, क्लाउड टू ग्राउंड डिस्चार्ज के कारण, फ्रीक्वेंसी वेरिएबिलिटी के कारण। तो ये सारे जो रीजन है जिसके कारण आपको जो लाइटनिंग है वो आपको हर दिन देखने के लिए नहीं मिलती है। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन टाइप दिया है कि व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द स्टैटिक इलेक्ट्रिकल चार्ज। ओके, तो
तो यहाँ पे आप आंसर यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आपको कंप्लीट आंसर दिया है जिसमें आपका ई मोबिलिटी, चार्ज सेपरेशन, अट्रैक्शन एंड रिपल्सर, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, डिस्चार्ज, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, टेम्परेचर ही नेचर और पोटेंशियल डिफरेंस, लाइटनिंग, ये सारे जो आंसर है यहाँ पे आपको दिए गए हैं, ओके। उसके बाद अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हो जहां पे आपको पूछा गया है कि व्हाट इज द डैमेज कॉज बाय द लाइटनिंग, हाउ विल यू क्रिएट द अवेयरनेस टू प्रिवेंट इट, ओके। यानी अगर आप देखते हो कि जो लाइटनिंग के कारण जो कॉज होते हैं, जो बहुत सारी जो प्रॉब्लम होती है, जो बहुत ज्यादा डेथ होता है, ओके, ये आप चीजों को कैसे आप रोक सकते हो, कैसे आप प्रिवेंट कर सकते हो, कैसे इसके लिए आप अवेयरनेस कर सकते हो, तो ये सारी चीजें हैं जहाँ पे आप अलग अलग जो पॉइंट है यहाँ पे आपको दिए हैं, ओके। उसके बाद यहाँ पे जो नेक्स्ट आपको उसी का जो एक्सटेंडेड पार्ट है यहाँ पे आपको दिया है कि डैमेज कॉज बाय द लाइटनिंग, तो क्या क्या डैमेज हो सकते हैं लाइटनिंग के कारण, यहाँ पे आपको पूरी जो जानकारी है वो यहाँ पे आपको दी गई है, ओके। उसके बाद यहाँ पे आपको प्रोजेक्ट टॉपिक भी दिया गया है जिसमें आपको पूछा गया है कि मेक एन इलेक्ट्रोस्कोप योर सेल्फ बाई यूजिंग अ थिन एल्यूमिनियम फॉइल एंड चेक विच सब्सटेंस बिकम द इलेक्ट्रिकली चार्ज, ओके। तो ये एक छोटा सा प्रोजेक्ट टॉपिक है जिसको आप अपने स्कूल में कर सकते हो। आप इसमें आपको बहुत ही सिंपल सा है, आप इसको अपने टीचर्स की हेल्प के थ्रू आप कर सकते हो। यहाँ पे हमने क्या किया है, यहाँ पे आपको मटेरियल दे दिया है कि आपको क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ेगी, ओके। यहाँ पे आपको ये दे दिया है कि आप किस तरीके से पूरे सेटअप को असेंबल कर सकते हो, पूरे चीज को आप किस तरीके से कर सकते हो, स्टेप बाय स्टेप वो चीजें यहाँ पे आप दे दी गई है, ओके। उसके बाद यहाँ पे आप ऑब्जर्वेशन दे दिया है, यानी आपको क्या कौन से चार्जेस आपको देखने हैं और किस तरीके से देखना है, वो सारी चीजें यहाँ पे आपको प्रॉपर तरीके से दे दी गई है, ओके। तो इस तरीके से यहाँ पे ये जो पूरा एक्सरसाइज है यहाँ पे खत्म होता है। अगर आपको इसके अंदर कुछ डाउट होगा तो आप लोग बेझिझक हमें कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, आप चाहे तो हमें ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम पे और इंस्टाग्राम पे, वहां पे भी आप जो भी क्वेश्चन है आप हमसे फ्रीली पूछ सकते हैं, ओके। और अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो ऑफकोर्स प्लीज आप वीडियो को लाइक कर लीजिए, आप अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ऐसे ही बहुत सारे जो वीडियो हैं वो आपको मिलते रहे, ओके। तो थैंक यू सो मच आप सभी का वीडियो देखने के लिए, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में नए स्वाध्याय के साथ, नए एक्सरसाइज के साथ। थैंक यू सो मच।